हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हिंदी का दूसरा अध्याय, क्लास 4th से रिमझिम बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब, ये अकबर बीरबल से की कहानियों से लिया गया है। अकबर बीरबल के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। आपको पता है ना बच्चों, जो बीरबल था वो अकबर के दरबार में मंत्री था और बहुत बुद्धिमान था। अकबर उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसके आगे किसी और की कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे। वे बीरबल को मुसीबत से में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा सरा एक दरबारी का नाम है। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और विद्यावान समझता था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा मूर्ख, नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता ना। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती जैसे नकार खाने में तूती की आवाज है। नकार खाना मतलब ऐसे ही बेकार में। ख्वाजा साहिब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर एक मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। तो ख्वाजा सरा ने मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ लिए उसके लिए। ख्वाजा सरा अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो ख्वाजा सरा क्या कहने लगा अकबर से कि मैं जो बीरबल को 3 सवाल दूंगा, आप उससे पूछिए और फिर उसके दिमाग की गहराई यानी कि उसमें कितना दिमाग है वो नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। कलाई खुल जाएगी मतलब कि पोल खुल जाना या उसका सब सबके सामने आ जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें, क्योंकि वो तो बहुत बुद्धिमान है, वो तो ऐसे डरता भी नहीं है क्वेश्चन पूछने से। ख्वाजा साहब ने अपने 3ों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र से आपको मतलब आप समझते हो ना कि सरकार का मध्य बिंदु। बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। बच्चों, क्योंकि आपको पता है ना पृथ्वी गोल है, तो आप जहां भी बिंदु लगा देंगे तो वो क्या बोला बीरबल कि यहाँ मैंने बिंदु लगा दिया और बहुत बड़ी है पृथ्वी, उसको ऐसे तो नहीं नापा जा सकता कि आप नाप के देख ले अगर आपको विश्वास नहीं हो कि यही बिंदु जो है मध्य बिंदु है। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं उतने ही सारे तारे आसमान में हैं, क्योंकि आसमान के तारों को गिना नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए उस बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और बोला कि इसके शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो वो क्या बोले कि अगर ख्वाजा साहब को संदेह है तो वो गिन ले, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल काम है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तीसरा क्वेश्चन क्या था? संसार की आबादी। बीरबल ने कहा, जहां पर ना सरकार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे कि जिनके ऐसे ही जवाब बनते हैं।
तो बादशाह तो संतुष्ट हो गया, लेकिन जो ख्वाजा साहब थे वो ऐसे नाक बहुत सिकोड़ना, मतलब थोड़े गुस्से से बोलना कि ऐसे काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि बच्चों आप भी तो समझते हो ना कि क्वेश्चन के हिसाब से ही जवाब आंसर होते हैं। तो आगे तुम्हारी बात, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखें। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका जो दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर पे बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम आबादी गिनकर बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? मैं बीरबल से पूछता, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? या फिर आप कुछ और भी पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? हम अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाना चाहेंगे, या आप कुछ और चाहें तो लिख सकते हैं। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ, जिस तरीके से हमने बस से बनाया ना, उसी तरीके से चल से बनाओ। जैसे कि तू मेरे साथ चल, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ, ओह वह तो चला, इस तरीके से। अब बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ, आप कोशिश करें। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर थे। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देते हैं, और लिखो। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्ति की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। एक तेनाली रामा, आपने सुना होगा, और दूसरे हैं लाल बुजक्कड़, ठीक है। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान के समान अर्थ क्या हो जाएगा? चतुर, मूर्ख का बेवकूफ, अभिमान का घमंड, विश्वास का भरोसा, संसार का दुनिया, कोशिश का प्रयत्न। ओके, अब है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल भी करो। नाक भौं सिकोड़ना, कहीं भी बाहर जाने के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने लगता है। कलाई खुलना, चोर की कलाई खुलते ही वह धीरे धीरे खिसक लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश है, बहुत ही मजेदार था। तो बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।